रश्मी, आपण पाहत आहात जनादेश वृत्तवाहिनी. श्रीराजा प्रोडक्शन आणि स्लीपर एंटरटेनमेंट प्रस्तुत लव्ह एरिया हा चित्रपट लवकरच दर्शकांच्या भेटीकरिता येत आहे. चेंबूर येथे पार पडलेल्या शानदार कार्यक्रमात चित्रपटाचे डायरेक्टर गब्रेल वत्स यांनी पहिल्या पोस्टरचं लॉन्चिंग केलंय. प्रेमावर आधारित विविध चित्रपट सध्या चित्रपटगृहात झळकत आहेत. अशाच रोमॅन्टिक कॉमेडी थीमवर आधारित असलेल्या लव्ह एरिया या चित्रपटाच्या पोस्टरचं लॉन्चिंग चेंबूर येथील महाराणा हॉटेलमध्ये करण्यात आले. श्रीराजा प्रोडक्शन आणि स्निपर एंटरटेनमेंट प्रस्तूर या चित्रपटाच्या पोस्टर लॉन्चिंग प्रसंगी चित्रपटाचे प्रोड्युसर राजाभाऊ सोनटक्के, डायरेक्टर गब्रेल वत्स, रायटर युसुफ अली खान यांच्यासह चित्रपटातील कलाकार उपस्थित होते. ये एक रोमांटिक स्टोरी है जो वैलेंटाइन वीक होता है उसको सेलिब्रेट करने में ये लगा पड़ा रहता है और हर एक लड़की को शायद इम्प्रेस करने की चक्कर में रहता है, जिसमें किसी को रोज़ डे दे देता है, किसी को टेडी डे रहता है, शायद चॉकलेट डे भी है. तो ये सब चीज़ें हैं. सो ही इज़ बेसिकली लड़कियों के पीछे भागना, लड़कियाँ इससे कैसे इम्प्रेस होंगी और ये लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करता है और बेचारी माँ कितनी परेशान हो जाती है ये सब चीज़ों. लोगों से ये संदेश है कि मूवी में मैं बहुत कूल मॉम हूँ और ये मेरा कूल सा बेटा है. संदेश तो यही दूंगी कि आजकल के बच्चे भले ऐसे करते हैं मगर हर माँ और हर बाप ने अपने बच्चों को ज़रा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल का माहौल इतना अच्छा नहीं है और अगर माँ बाप बच्चों को एकदम बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं तो उन लोग हाथ से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे. तो हम तो इतना ही कहेंगे कि भले एक कूल मॉम हो और कूल बेटा हो और फिर भी देयर हैज़ टू बी अ बैरियर जहाँ पे एक रुकावट आनी ही चाहिए. ये फिल्म लव एरिया है, स्टार स्टार का इसमें कोई नहीं है, ये हमारी स्क्रिप्ट एक स्टार है और फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चलेगा. ये मैं फिल्म के लिए फिल्म से कोई मैसेज वगैरह नहीं देना चाहता. जैसे कि मेरी फिल्म का नाम है लव एरिया, पहली बात तो मैं इस टाइटल से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि मुझे टाइटल चाहिए था लव एरिया, जो शाहरुख साहब की फिल्म थी राजू बन गया जेंटलमैन मैन, उसका गाना था लव एरिया हुआ. बट एसोसिएशन की वजह से मेरे को टाइटल मिल नहीं पाया, किसी और के पास था, मैंने उनको अप्रोच किया, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई तो मैंने क्रिएट कर दिया लव एरिया. और आप बोले थे मैसेज के लिए, तो मैं कोई मैसेज वगैरह नहीं देना चाहता. जैसे एज ए फिल्म मेकर मैं और आप जर्नलिस्ट के बीच में एक रिलेशन है जो लव का ही रिलेशन है, जिसकी वजह से मैं कितना भी काम करूँ आप लोगों तक पहुँचाते हैं मेरे काम को, मेरे मूवीज़ को, मेरी बातों को. तो ये रिलेशन है. वैसे ही हम आम जिंदगी में हर एक इंसान के साथ किसी ना किसी का कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है, तभी जाके लाइफ का मीनिंग समझ में आता है. जैसे मेरी फिल्म में सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है. लाइफ का मतलब तभी इंसान को पता चलता है जब वो शायद किसी से प्यार करने लगता है, चाहे वो उसका बेटा हो या बेटी हो, कोई भी एक्स वाई जेड. तो जब इंसान प्यार करता है तब शायद उसको मीनिंग समझ में आता है, उसके बाद ही वो अचीव करता है हर एक चीज़. तो एग्जैक्ट नॉर्मली बात करेंगे फिल्म की, तो कब तक ये दर्शक देख सकते हैं? ये फिल्म 4 अगस्त 2017 को हम रिलीज़ कर रहे हैं. जाहिर है कि जब सब्जेक्ट अच्छा होता है तो स्क्रीन प्ले भी अच्छा बनता है और डायलॉग भी अच्छे लिखे जाते हैं. बस यही सोच के लिखा. इसको लिखने में काफ़ी मज़ा आया, मतलब रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, और इसको जब स्क्रीन पे फिल्म ये आएगी तो लोगों को कई मैसेज इससे मिलेंगे. लाइक जैसे इसका टाइटल ही है लव एरिया, तो आजकल हम लोग देखते हैं कि गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, किसी भी माँ बेटे का रिश्ता, उसमें जो सारे तरीके के जो लव हैं, तो उस अपना लव एरिया में कोई है ही नहीं आज. आज हर कोई चाहे माँ से हो चाहे गर्लफ्रेंड से हो, मतलब जिस तरीके का लव है, तो उस तरीके का लव आजकल जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बचा ही नहीं है. तो हमारी फिल्म में ऐसा मैसेज है, जब लोग फिल्म देखने आएंगे तो अपने आप को उस लव एरिया के उस अपने जोन में पाएंगे कि अपने यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ लव है. और एक लव का एरिया ऐसा हम लोगों ने बताया है जिसमें ऑडियंस अपने आप को पाएगी.
तो उससे काफ़ी कुछ उनको मैसेज मिलने वाला है। कैमरामैन मोहन सह सुरेश पाटील, जनादेश, वृत्तवाहिनी करीता। आपल्या भागात कोणतीही अनुचित घटना घडली असल्यास अथवा कोणतीही समस्या असल्यास आम्हाला जरूर कळवा, आम्ही ती आमच्या वृत्तवाहिनीवर जरूर प्रदर्शित करू। आमचा पत्ता 197 लाकी हाऊस टिशन रोड, गोवंडी पूर्व, मुंबई 400008। आमचा दूरध्वनी क्रमांक 6533121216 किंवा 9322870153। तर या होत्या आमच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच वेळी याच ठिकाणी। आपली बातमी आपली वाहिनी।